इसलिए सिर्फ यह कहने से कि हमारी विरासत बड़ी है, हमारा इतिहास बड़ा है, सिर्फ राणा प्रताप का नाम लेने से, शिवाजी को याद करने से, रानी गडेलियू को याद करने से समाज नहीं बदलता है। समाज बदलने के लिए रानी गडेलियू बनना पड़ता है। आपको लगता होगा कि कोई रानी होगी, वह तो एक ट्राइबल लड़की थी, 16 साल की लड़की थी। चाचा मारा गया और बागडोर अंग्रेजों के खिलाफ संभाल ली। पूर्वोत्तर जहां चीन नजर बैठाए हुए हैं, जेल गई, जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए 1932 में। क्या व्यक्तित्व था, क्या सौंदर्य था, क्या वाणी में ओज था, लेकिन देशभक्ति के सामने सब फीका था। जवाहरलाल ने कहा, यह तो रानी है रानी, इसलिए उनका नाम रानी गडेलियू पड़ गया। हिंदुस्तान में राजा और रानी सत्ता पर बैठे लोग नहीं होते हैं। हिंदुस्तान में तो असली राजा और रानी तो सत्ता से बाहर समाज बनाने वाले लोग होते हैं।